अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। तो जनाब, आज हम लोग क्या बना रहे हैं? ये आज हम बना रहे हैं सैंडविच। सैंडविचेस बना रही हूँ, चिकन सैंडविच बना रही हूँ। चिकन सैंडविच बना रही है क्योंकि उस दिन काले चने बने हुए थे। मेरी बेटी ना काले चने खाती नहीं है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज मैं सैंडविचेस बना लूं। सैंडविच दोनों बहन भाइयों के लिए। हाँ, तो बस चिकन को चिकन जो से थे चिकन क्यूब्स थे, उनको छोटा छोटा सा कट करके उनको फ्राई किया। उसके अंदर थोड़े से अब प्याज डाले और अब मैं इसका कर रही हूँ टकाटक। बड़ा कीमा बना रही है। जितना भी दूसरों के ऊपर गुस्सा है ना, मैं कहती हूँ इसी के ऊपर निकालो। तो बस ये सारा अपने मैंने गुस्सा मलका जज्बात बन के इसके ऊपर उतारा और निकाल दिया सारा। हाँ, अगर कीमा यूज़ कर सके तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन चिकन भी चिकन था मेरे पास, बोनलेस था, तो फिर मैंने वही यूज़ किया। तो जब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और सारे के सारे स्पाइसेस जाएंगे, नमक मिर्ची, हल्दी, कुटी लाल मिर्ची, सूखा धनिया और जीरा। सूखा धनिया हमारा फेवरेट है, जो कि हम लोग को जब तक वो नजर आता हो हम दोनों बहन भाई बड़े बहुत खुश होते हैं। हम दोनों सूखे धनिया से बड़े खुश होते हैं। वो हमारे घर में अगर पुलाव भी पकाना तो हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जीरा और सूखा धनिया डाल दे। आलू वाले पराठे में भी सूखा धनिया चाहिए हम लोगों को। नहीं, ये व्हाइट सॉस बना रही थी क्योंकि भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट सॉस, और चिकन हमारा रेडी हो गया था। बस वाइट सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा घी लिया, उसके अंदर एक चम्मच मैंने डाला था मैदा और दूध। हाँ, बस दूध जाएगा इसके अंदर, नमक और थोड़ा सा ओरिगनो जाएगा, बस ये तैयार है। क्योंकि भाई कहता है कि आप ही वो ना क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट जोन सा है ना वो अच्छा ही अच्छा। हाँ, चीज़ भी डाली थी मैं तो, अब देखा चीज़ ऐड किया और अब यहाँ पर ओरिगनो ऐड किया। तो ये यम यम सी हमारी वाइट सॉस जो सी है ना तैयार है। मज़ेदार सैंडविचेस हो, बर्गर हो, अगर कोई भी रोल भी बना रही हो तो भाई कहते कि वाइट सॉस अंदर ज़रूर ऐड किया करो आप ही। मैंने कहा ओके ब्रो, तो क्यों ना फिर आज प्रॉपर मज़ेदार किस्म का सैंडविच बनाया जाए। तो बस ये ब्रेड ली, उसके ऊपर केचप डाली कंजूसी करते वक्त, ये पर ये कंजूसी हो वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छी खासी मैंने डाल दिया इसके अंदर केचप। और इससे ये चीज़ पता चलती है मम्मा, चिकन वाले सैंडविच से ये पता चलता है कि हमारे घर में शामी कबाब ख़त्म हो चुके हैं। और शामी कबाब के बगैर ना पिज़्ज़ा नहीं खाया, सैंडविच नहीं खाया जाता। हाँ, तो बस कोई नहीं, चिकन वाले सैंडविचेज। और साथ में मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ कॉर्न्स जो बॉइल किए हुए पड़े हुए हैं, और ऑनियन डालूंगी। अगर मेरे पास बंद गोभी होती तो मैं बंद गोभी भी डालती, उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, बस चीज़ डाली। और इसके बाद इसके ऊपर क्या डालेंगे मामा, बताएं क्या डालेंगे अब? वाइट सॉस डालेंगे। अच्छा। वाइट सॉस डाली और बस ये सैंडविचेस को तवे के ऊपर करेंगे फ्राई और फिर खा लेंगे। और बहुत ही मज़े के थे, आपने तो खाया ही नहीं क्योंकि मामा ब्रेड के साथ चिकन नहीं खाती। क्यों नहीं खाती मामा? मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्रेड के साथ चिकन नहीं अच्छा। हाँ, ब्रेड के साथ चिकन नहीं अच्छा लगता, बर्गर के अंदर वो चिकन नहीं अच्छा लगता, कच्चा चिकन नहीं अच्छा लगता। मुझे तो ये क्या तुम बनाती हो वो शवारमा? नहीं, शवारमा में क्या डालते हैं? मायोनीज डालते हैं। वो भी नहीं पसंद। हम मायोनीज भी नहीं पसंद। हमारे घर में हर एक डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं, सबको अलादा अलादा से कुछ ना कुछ चाहिए। और ये हम ना आप समोसे बनाने लगे हैं मेरे अजीज़ुर रहमान के लिए, उसे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि मैंने ना अपने बेटे के लिए समोसे बनाने हैं, तो ये मैदा लिया, इसमें ज़ीरा, नमक और घी थोड़ा सा डाल के वाइन डाली है और ये अब इसे मिक्स कर रही है। हाँ। ये माँ बेटी बना रही है, मैं नहीं बना रही। क्योंकि मामा ने कहा था अब सैंडविचेस खाए हैं तो अब हमारे लिए भी कोई चीज़ हो जाए। मैं कह चले ठीक है, मेरे लिए भी बनाओ। अच्छा, उस टाइम मेरे बेटे के लिए भी बनाओ। अच्छा, उस टाइम पे मैं सोच रही थी, अभी मैं सोच रही थी कि हाय काश के समोसे होते, और उसी टाइम मम्मा ने कहा कि बेटा मेरा दिल कर रहा है कि समोसे क्यों ना बना लिया जाए। मैं कहा मम्मा वाह, इत्तफाक दिल को दिल से रहा होती है, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था समोसे खाने को। ये डो बना ली है, पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके ना इस सख्त सी डो बना ली,
और मैंने सोचा कि छोटे छोटे से समोसे बनाएंगे, बड़े बड़े वाले नहीं समोसे नहीं नहीं छोटे बनाएंगे, समोसे अच्छे क्योंकि लगते उसके हैं। साथ चटनियाँ वगैरह नहीं थी हम लोग बना रहे, क्योंकि कैचअप के साथ ही खाने का हमारा प्लान था। हाँ तो फिर मैंने कहा छोटे छोटे जो से होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यूट हाँ भी लगते हाँ हैं। तो बस ये डो तैयार हो गई, उसके ऊपर ऑयल लगाया, उसको रख दिया। और ये अब आया है मम्मा का पार्ट। और अब ये आलू को मैश किया है, और ये मैंने हाथों से किया है। वैसे तो मेरे पास है वो सांचा भी, उससे हाँ, बड़े जिससे हो जाते हैं, हो पर मैंने जाते कहा हैं। था कि बस मोटे मोटे से होने चाहिए, उसके साथ हाँ इतना बारीक सा हो जाता है ना, हाँ ऐसे जैसे वो पराठों के अंदर डाल रहे हैं। हाँ तो ये जीरा, ये अजवैन, ये सूखा धनिया डाल रही हूँ। हाथों के साथ ही उसको कर लेते हैं हम लोग, हाँ क्योंकि नजर आना चाहिए हम लोगों को सूखा धनिया। हाँ ये नमक और सुरख मरच, तो ये सारे, ये चिली फ्लेक्स वगैरह हाँ, डाल के, और हल्दी। हल्दी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्सी मिक्सी करना है, और ये हमारा जो है बैटर तैयार हो जाएगा। और मामा ने मुझे कहा था कि इसके अंदर चिकन भी डाल लो, भाई को नहीं पता चलेगा। मैंने कहा मम्मा वो बड़ा हो गया है, वो बहुत बड़ा हो गया, हाँ उसे पता चल उसको जाए, पता चल जाता है कि वो चिकन वाले वो समोसे नहीं हाँ जी। खाता, चिकन अच्छा वाली रोटी भी नहीं चिकन खाता, वाली रोटी भी नहीं खानी, अच्छा केले वाली रोटी भी नहीं बर्गर खानी, बर्गर पिज्जा वगैरह वो बहुत सारे खा लेते। हाँ, जब छोटा होता था हम लोग उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती किया करते, वो कहता है ज्यादती वो ज्यादती। खाता नहीं था हाँ, ना, तो वो अक्सर हम लोग ऐसा करते थे, कीमा अगर बनाया मैंने तो उसको रोटी में डाल के दे दिया वो करते वैसे थे, खाता नहीं वो था ना, वैसे खाता नहीं था, तो उसको कहा करते थे आलू वाला पराठा। तो खा लेता तो वो था। बड़े शौक से खाता था, और वो कहता था वाह बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। और हम कीमे के साथ रोटी खा लेते हैं, उसे हाँ कीमा रोटी। पर जब से उसको हमारे स्कैम के बारे में पता चला, वो तब से हम लोगों को कहते हैं कि जब तक आप लोगों ने मुझे आलू बॉय किए हुए नहीं दिखाने तब तक मैं नहीं खाऊंगा। आने तो आप तो मुझे ना हंडिया में से आलू निकाल के रोटी में बना देती है, मैंने नहीं ऐसे खाना, मुझे अलग से बॉइल करके दे आलू और हाँ, फिर बनाए, और अब अक्सर खाना है। हाँ अक्सर उसको तंग करने के लिए मैं कह देती हूँ मामा ने कोई सेपरेट से तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, आलू बॉयल नहीं किए, मामा ने सालन में से ही निकाल लिए। नहीं तो वो बड़ा चिढ़ता है इस वो बात से। चिढ़ता है, और फिर मुझे मजा आता है उसको चिढ़ाने में, बड़ी बहनें फिर होती ही किस लिए हैं। तो वो बड़ा चिढ़ता है इस बात से हाँ कि मेरे लिए अलहदा से बॉयल करें हाँ आलू। मुझे सालन में से भी नहीं हाँ चाहिए। मैं फिर छिलके दिखाती हूँ ना। और अब उसके लिए कुछ स्पेशल बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये नॉर्मल वाले समोसे क्यों बनाओ, फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स बनाई ताकि वो थोड़ा सा खुश हो, क्योंकि खुश वो हो इस तरह जाए। की चीज़ें देख के ना उसको बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ कुछ नया खाने को मिल रहा है, उसको पिक्चर्स क्लिक करने का बड़ा ज़्यादा हाँ ये शौक है। देखना, ये इस तरह भी ना, हाँ, ये तो ये मैंने बस इस किया। तरीके से डिफरेंट डिफरेंट से स्टाइल में, जिस तरीके से मोमोज बनाते हैं ना, वो वाली सारी की सारी स्किल्स मैंने आज यहाँ पे अपनाई है। मैंने कहा आलू हाँ वाले समोसों में, समोसों में भी इस तरीके के, ये जैसे कि ये स्क्वायर बना है, और एक अब मैं गोल सा वो पोटली टाइप्स बनाऊंगी, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो हम लोगों ने तो वो सादे वाले खाए थे, अब छोटे के लिए ये फिर तीनों उसी ने खाए उसी थे। के लिए थे वो जो डिफरेंट थे ना, मैंने कहा था कि हाँ चलो तुम खाओ तुम्हें ज़्यादा मज़ा आए। और वैसे भी उस टाइम पे हमारे घर पे नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई अब हाँ तुम्हारे लिए है रख ना, देते हैं। काम से पता नहीं किसी हाँ, काम कहीं पे कमा। गया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो तुम इंजॉय करो। जब वो घर आया तो उसके लिए सरप्राइजेस तैयार थे, वाह समोसे खाने को मिल रहे हैं, वाह बड़ा मज़ा आएगा आज। और वैसे भी शाम के टाइम पे उसको पता नहीं क्या हो जाता है, क्या वो कुछ कहते हैं दे दो हाँ मुझे मुझे खाने के खाने, लिए। मैं कहती हूँ वो वाला वो जिस तरह से हम लोग मामू होती है जकूटा जिन वाला है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं मैं किसको किसको खाऊँ। भाई को तकरीबन शाम के टाइम पर ऐसे वाले जो से होते हैं ना तो वो रहे वैसे होते हैं। कई दफा ये भी होता है कि मैं उसके आगे चीज रखूंगी भी ना, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी। वैसे भी मम्मा अम्मियों का ये होता है कि जैसे कि अब आप पूछो कि फ्रूट खाना है, वो कहेगा नहीं नहीं खाना, खाना, बट नहीं आपने खाना, कौन सा नहीं पास आ खाना, जाना है, आपने भी खिलाना है मैंने नहीं खाना, मैंने उसको। नहीं खाना। जैसे कि मम्मा आज मैं छोटी रोटी खाऊंगा या आधी रोटी खाऊंगा, और मेरी अम्मी इतनी लंबी रोटी खा देंगी कि वो परेशान हो जाता है, अम्मी ये क्या था। वैसे ही कहते रहते हैं, अभी कुछ खाने को नहीं आया, तो जब होगा दूंगी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। अब थोड़ा सा फिर हो जाता है, कोई हाँ बात नहीं। रात को भी वो फिर अक्सर पूछ रहा होता है कुछ खाने के लिए है क्या, कहती मुझे
मैं अब क्या दूँ तुम्हें, उठाएगा बार बार। तो बस ये हमारे समोसे तैयार थे, साथ में हमारी चाय तैयार थी, और यही था आज का हमारा व्लॉग। बस समोसे बहुत मज़े के थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, और छोटे छोटे से साइज़ में, और बड़े ही क्यूट लग रहे थे। मैंने कहा थोड़ी सी ना इसको सेटिंग वेटिंग करके रखते हैं, क्योंकि भाई को अच्छा लगता है इस तरीके से ना चीज़ों सेटिंग की हुई चीज़ों की। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।